नमस्कार, मैं हूं आकाश। आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। बाटला पुलिस को समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब बाटला पुलिस ने दो लुटेरे गैंग के 7 सदस्यों को नाजायज असलाह के साथ गिरफ्तार किया। उनसे 5 चोरी की गाड़ियां और करीब 2.5 लाख रुपए भी बरामद किए। इन लुटेरों पर पहले भी कई मामले दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने इन पर केस दर्ज करके आगे की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस दावा कर रही है कि उन लुटेरों के और भी खुलासे कर सकते हैं। इस रिकवरी को लेकर IG बॉर्डर रेंज सुरपिंदर पाल सिंह परमार ने प्रेस वार्ता की जानकारी देते हुए मुखबर की सूचना पर नाकाबंदी दौरान दो अलग अलग जगहों पर 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान यह दो लुटेरे गैंग के सदस्य, इनमें से 5 चोरी की गई लग्जरी गाड़ियां, 2 राइफल, 12 बोर एक रिवॉल्वर, 32 बोर एक पिस्तौल, 32 बोर 25 जिंदा रौंद और 2,55,000 नकदी बरामद की गई। यह लोग अलग अलग शहरों से गाड़ियां चोरी कर उनका नंबर बदलकर उन्हें बेचने का काम करते थे और फिल्मी अंदाज में ATM लूटते थे और बिजली ट्रांसफार्मर से तेल चोरी करके बेचते थे। बाइट सुरपिंदर पाल सिंह परमार, IG पुलिस। प्राइम न्यूज 24 से जतिंदर कुंडल, गुरदासपुर की रिपोर्ट। बटाला पुलिस ने इमीजिएटली ना हम रिसेंटली दो गैंग जड़े है उन्होंने न्यूटलाइज किया। एक गैंग के 3 मैंबर पकड़े गए हैं, दूसरे गैंग के 4। इन्हों को 4 वैपन पकड़े गए हैं, 2 12 बोर दिया गांज ने, 1 32 बोर का रिवॉल्वर, 1 32 बोर का पिस्टल, 2,55,000 रुपया कैश के नाल एमुनिशन है। ये गैंग जड़ा है ये गड्डिया चोरी करता सी, ATM भी चोरी करता सी, अपसा रूल के भी किस रजिस्टर के खिलाफ, तो इंटर डिस्ट्रिक्ट और इंटर स्टेट भी ऑपरेट करता सीगा। जो दूसरा गैंग है वो उन्होंने काफ़ी जगह पर ठेके लुटे हुए थे, 350 जो ट्रांसफॉर्मर ने बिजली बोर्ड है उन्होंने तेल कट के बेचा हुआ सीगा। इन सारे की अरेस्ट नाल भी एक्सपैक्ट के जोड़ा इस बटाले एरिए पैरिफल एरिए जो चोरी का कम से वहीकल चोरिया करते वो काबू पर आ जाएगा। तो इन्हों को 5 जड़िया गड्डिया वो भी रिकवर की गई जी बाहर देखी है पाकट है। इहदा मोडस पेंड ये कि गड्डी दूरों दूरों चोरी करके उन्हां तो ओवलैक्स के देखते सी नंबर किहड़ा सेल ते हैगे, उन्हां दे नंबर लैके डुप्लीकेट करके उन्हां गड्डियां ते लगा के भेज दिंदे हुंदे सी। सो SSP बटाला अलोंग विद दिस टीम हैज डन एक्सीडिंगली गुड वर्क। सर जी मल्टी चलिए क्योंकि पिछले दिन भी बटाला पुलिस ने एक गैंगस्टर 2 पकड़े थे जिहड़ा लारेंस बिश्नोई नाल उन्हां दा संबंध हैगा सी। इहनां दे विचों किसे दा हैगा जी लारेंस बिश्नोई गैंग? नहीं, हाले प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन अजे कोई गल नहीं आई। इहनां दा कोई गैंगस्टर जिहड़े सीगे देवर बाय ट्रेडिंग फॉर द इकोनॉमिक रीजनस ओनली। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗ ਐਂਡ ਦੈਟ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਸਟਫ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਪਰ ਕਵਰ ਹੋਈ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੁਟਖੋ ਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਲੁਟਖੋ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸੇਲ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਇਹ ATM ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 2-4 ਕੇਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਡਿਊ ਦਾ ਸਸਟੇਨ ਡਾਇਰੋਗੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਰ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ? ਬਾਕੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾਏ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਫੇਕ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੈਸੀ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਇੰਜਨ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਐਕਚੁਅਲ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਵੈਪਨ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਇਲੀਗਲੀ ਹੋ ਗਏ। ਵੈਲਕਮ।